तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वाले वीडियो में हम टू लव थ्रू डार्कनेस के सेकंड पार्ट के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कोतोयोगा को देखते हैं जो क्लासरूम में जा रही होती है, और तब वहाँ पे मियाँ आती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोतोयोगा, सेमलेस पर्सन। और ये सुनने के बाद कोतोयोगा बोलती है कि तुम मुझे सेमलेस क्यों बोल रही हो? और तब जो मियाँ होती है वो बोलती है कि मैंने देखा है कि तुम हर वक्त जो सेमलेस जो वर्ड है उसे तुम यूज़ करती हो, तो मैंने सोचा है कि आज से मैं तुम्हें सेमलेस कोतोयोगा ही बोलूँगी। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, और तब वहाँ पे हाउना आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। और तब हम देखते हैं दूर से डॉक्टर मिकाडो की असिस्टेंट ये सब देखती है और सोचने लगती है कि क्या सच में जो मियाँ है वो बदल चुकी है। और हम देखते हैं नाना चैन को जो मोमोचैन के प्लान के बारे में सोचने लगती है, क्या ये सच में मुमकिन है कि जो हारेम का जो प्लान उसने मुझे बताया था कि ये सच में वर्क करेगा? और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है और मोमोचन के बारे में सोच रही होती है, और तब वहाँ पे मियाँ आती है और बोलती है कि तुम किस चीज़ को लेके इतना सोच रही हो? और तब जो नानाचन होती है और बोलती है कि मैं मोमोचन के बारे में सोच रही थी, और वो बोलती है क्या तुम्हें हारेन के प्लेन के बारे में कुछ पता है? और तब जो मियाँ होती है वो बोलती है हाँ हाँ मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि मैंने जब रितु के साथ अपने साइको ड्राइव की मदद से उसके बॉडी को कंट्रोल किया था तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चल गया था। और हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है वो ये सुनने के बाद थोड़ा शौक हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मियाँ होती है वो अपने साइको ड्राइव की मदद से नानाचन के बॉडी को कंट्रोल करती है, और हम देखते हैं कि उसके सपनों में जो रितु होता है और उसे चाटने लगता है, जिसके कारण जो नानाचन होती है वो थोड़ा एम्ब्रेस्ड फील करती है और वो अपने सपने से फिर से बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं वो बोलती है कि ये सारा चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रितु है वो लाला से ही प्यार करता है। और इसके बाद जो नानाचन होती है वो बोलती है कि मैं रितु को पसंद नहीं करती हूँ। और हम देखते हैं कि ये दोनों इस चीज़ को लेकर बातचीत कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर मिकाडो की जो असिस्टेंट होती है वो दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि जो क्लीनर होती है वो एक गैजेट के ऊपर बैठा हुआ होता है, और तब वहाँ पर नानाचन आती है और बोलती है कि ये कौन सा गैजेट है? और तब वहाँ पर रितु आता है और बोलता है ये एक गैजेट है जो किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है और रितु के साथ रूडली बात करते हुए बोलती है कि तुम अपने हारेम प्लान के बारे में मत बोलो ही तो ही अच्छा है। और हम देखते हैं कि जो रितु होता है वो इस पे शर्माने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओसीजी होती है वो मियाँ को ढूंढ रही होती है, और तब वो गलती से टियाजी को धक्का दे देती है और बोलती ही है कि क्या आपने मियाँ को देखा है? और तब वो बोलती है नहीं। और इसके बाद जो टियाजी सेंसेस होती है वो असली में मियाँ होती है। और इसके बाद जो मियाँ होती है वो ओसीजी को डरा देती है, जिसके कारण जो उसकी पावर होती है वो ओवर पावर होती है। और हम देखते हैं उसकी ओवर पावर की वजह से जो लाला का जो गैजेट होता है वो फिर से ख़राब हो जाता है। और हम देखते हैं जो उसका गैजेट होता है वो अचानक से कुछ गलत हरकत करने लगता है, और इसके बाद वो नानाचन की जो पेंट है उसे वो खींच लेती है। इसके बाद हम देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जो नानाचन होती है वो रितु के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, और फिर वो उस गैजेट को मारने लगती है। और फिर वो गैजेट जो होता है और डॉक्टर मिकाडो के जो कपड़े होते हैं वो उसकी तरफ खींच लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है वो लाला के गैजेट को मारने लगती है, जिसके कारण जो गैजेट होता है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसके बाद हमें एक खतरनाक सा सीन को दिखाया जाता है जो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाला का जो गैजेट होता है वो पूरे स्कूल में पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन कर रहा होता है, मतलब जिस तरह भी वो जा रहा होता है वहाँ का जो कपड़ा होता है सबको वो अपने अंदर खींच लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है वो उस गैजेट को पकड़ लेती है, लेकिन वो गैजेट एक ड्रेसिंग रूम में घुस जाती है, जिसके कारण जो वो गैजेट होता है वो बाकी सारी लड़कियों का जो ड्रेसेस है उन सबको वो खींच लेती है। और हम देखते हैं जो सारी लड़कियां होती हैं और रितु के ऊपर जा गिरती है, और जिसके कारण जो रितु होता है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है वो अपने टेल की मदद से उस गैजेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं उस गैजेट में से एक मिनी ब्लैक होल निकल जाता है, और उसको देखने के बाद जो बाकी जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं।
और इसके बाद हम देखते हैं और तब वहाँ पर लाला आती है और ये देखने के बाद जो बाकी की जो लड़कियाँ हैं वो बोलती है ये कौन सी चीज़ है। और तब जो लाला होती है वो बोलती है कि ये एक ब्लैक होल है और ये लगता है इस स्कूल को भी खा सकता है। और ये सुनने के बाद जो कोतयोगा होती है वो थोड़ा गुस्सा करने लगती है और हम देखते हैं कि जो ओसुजु होती है वो अपने पावर की मदद से उस ब्लैक होल को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। और हम देखते हैं तब वहाँ पे मियाँ आती है और वो अपने पावर की मदद से उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के जो लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि जो मियाँ होती है वो असली में एक एलियन होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तब वहाँ पे अचानक से यामी आती है और वो मियाँ के सिर पे हाथ रखती है और वो बाकी लोगों से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि ये मेरी लिटिल सिस्टर है और इसकी वजह से जो कुछ भी गलतियाँ हुआ है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसे माफ़ कर दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के जो लोग होते हैं वो मियाँ को माफ़ कर देते हैं। और इसके बाद जो बाकी के जो लोग होते हैं वो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तालियाँ बजाने लगते हैं। और इसके बाद मियाँ ओसुजु को बोलती है कि तुम्हारी पावर और मेरी पावर की वजह से ही हम दोनों ने मिलकर उस ब्लैक होल को इस स्कूल को खाने से बचाया है। और हम देखते हैं कि जो ओसुजु होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो टीआरजी सेंसर होती है और दूर से ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और जिसके कारण जो यामी होती है वो थोड़ा एम्ब्रेस फील करती है और वो उड़ जाती है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मियाँ होती है वो ओसुजु के साथ हैंडशेक करती है और फिर हम देखते हैं जो ओसुजु होती है वो फिर से डर जाती है और उसकी पावर फिर से ओवर पावर हो जाती है और जो नानाचन होती है वो रितो के ऊपर जा गिरता है और जिसके कारण जो रितो होता है वो फिर से एम्ब्रेस्ड हो जाता है। और इसके बाद हम मोमोचन को देखते हैं जो कहता है लगता है कि जो नानाचन है वो धीरे धीरे रितो को पसंद करने लगी है। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसे देखना मिस मत करना।